हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर नीलम मोक्षीलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गार्लिक के बारे में, जिसको लहसुन कहा जाता है, और एलियम सटाइवा जो इसका साइंटिफिक नेम है। गार्लिक जो होता है वो एलडीएल को 10 से 15% कम करने में हेल्प करता है, मतलब कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। बट ये जो होता है गार्लिक, वो गुड कोलेस्ट्रोल यानी कि एचडीएल या फिर ट्राइग्लिसराइड के ऊपर वर्क नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ एलडीएल के ऊपर ही वर्क करता है। अब एलडीएल यानी कि फैट यानी कि कोलेस्ट्रोल को ये कम करता है, और जिसकी वजह से जो खून की नसों में जैसे कि धक्का जम जाता है या जिसको थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कहते हैं, तो उसके चांसेस को कम करता है। और नेचुरल सी बात है कि अगर ब्लड में फैट ज़्यादा होगा तो खून ज़्यादा गाढ़ा होगा, तो दिल को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा उसको पुश करने के लिए, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ये जो है फैट को कम करता है, तो साइड बाय साइड ब्लड प्रेशर भी 10 पॉइंट जो है कम करता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला दोनों को ही कम करता है 10 पॉइंट्स तक। तो अगर ये फैट को बर्न करता है, ठीक है ना, क्योंकि जो गार्लिक है वो गर्म तासीर का होता है, तो इससे बॉडी में हीट ज़्यादा होती है और फैट ज़्यादा बर्न होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये थ्रोम्बोजेनेसिस करवाता है, ठीक है, जिसकी वजह से फैट जो है वो ज़्यादा बर्न होता है। फैट ज़्यादा बर्न होता है तो नेचुरल सी बात है कि ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि गार्लिक लेने से जो है वेट लॉस में भी हेल्प होती है, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर बॉडी से फैट को कम करता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो फैट कम हुआ तो ओबेसिटी कम होगी, मोटापा कम होगा, वेट लॉस में तो हेल्प होगी ही, है ना। तो इसीलिए गार्लिक जो है वेट लॉस में भी हेल्प करता है। इसके अलावा गार्लिक की जो होती है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, एक्चुअली क्या है कि हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन की मेटाबॉलिज्म होती है, ऑक्सीजन तो नेचुरल सी बात है कि हमारी बॉडी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन सबसे मिलकर बनी है, तो जब ऑक्सीजन की मेटाबॉलिज्म होती है तो उसका जो वेस्ट होता है ना, उसको फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। ये फ्री रेडिकल्स जो है ये सेल्स के डीएनए को, माइटोकॉन्ड्रिया को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय कर देता है। अब नेचुरल सी बात है कि अगर सेल्स में जहाँ एनर्जी बनती है वही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो सेल्स की फंक्शनिंग पर, उसके स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी पर तो इफेक्ट आएगा ही। बट हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि इन फ्री रेडिकल्स को बैलेंस करते हैं बॉडी में। अब एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन की मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट बनता है फ्री रेडिकल्स, ये बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसके ऊपर कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं डाल पाते। पर जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है तो एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बॉडी में कम होती रहती है, इसलिए जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो सेल्स की जो फंक्शनल कैपेसिटी होती है, स्ट्रक्चर, उसको धीरे धीरे करके कम करते रहते हैं और एजिंग प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं। बट गार्लिक पे एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से एज से रिलेटेड जो सेल्स जो धीरे धीरे उनकी काम करने की क्षमता कम होती है तो उसको ये रोकता है, जिसकी वजह से जैसे ओल्ड एज की जो प्रॉब्लम्स हैं नर्व सेल से रिलेटेड, जैसे एल्जाइमर डिसीज है, डिमेंशिया है, या नर्व से के सेल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो उसको जो है ये कम करता है जो गार्लिक है। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, मतलब एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल, जिसकी वजह से जैसे कि यूटीआई होता है, यूरिन में इन्फेक्शन होता है, ईकोलाई जिनको भी है उनके लिए जो है ये यूज़फुल होता है, या जिनको भी जैसे खांसी है, जुकाम है, मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो बॉडी में किसी भी कारण से इन्फ्लामेशन होती है तो उस इन्फ्लामेशन में गार्लिक जो है वो हेल्प करता है, इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करता है, जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी जो है उसमें हेल्प करता है, बॉडी की इम्यूनिटी में। गार्लिक में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है ना, तो इसका क्या होता है, अगर हम गार्लिक लेते हैं तो सिर्फ ये बॉडी के खराब बैक्टीरियाज को ही डिस्ट्रॉय करता है, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता। जैसे मान लीजिए अगर हम एंटीबायोटिक खाते हैं, कोई एलोपैथी की अंग्रेजी दवाई खाते हैं, तो हम कहते हैं ना कि ये खराब बैक्टीरिया को तो ख़त्म करेगा ही, साथ में अच्छे बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइन्स का जो माइक्रोबायोटा होता है, जो बैक्टीरियाज नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। बट जो है गार्लिक या लहसुन जो अगर आप लेते हैं तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ
खराब बैक्टीरिया को ही डिस्ट्रॉय करता है, अच्छे वाले को नहीं करता, जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइन का जो बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, माइक्रोबायोटा होता है, वो नॉर्मली बना रहता है। इसके अलावा गार्लिक में जिंक है, इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, विटामिन सी है, नेचुरल सी बात है कि इम्यूनिटी इंक्रीज करेगा, मतलब और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसमें कि गार्लिक हेल्प करता है। ठीक है, जैसे इस्ट्रोजन लेवल को मेंटेन करता है, या फिर जैसे ये जो बोन्स की प्रॉब्लम है, बोन की डेंसिटी को बनाए रखने में हेल्प करता है। बट गार्लिक जो होता है वो गर्म होता है, इसलिए जिनको भी ब्लीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए, किसी को कोई ऑपरेशन करवाया हो, क्योंकि ऑपरेशन करवाते हैं नेचुरल सी बात है कि ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, तो इसलिए उनको गार्लिक नहीं लेना चाहिए। तो इसके अलावा, क्योंकि गार्लिक मैंने बताया है कि गर्म तासीर होती है, जिन लोगों को कोई एलर्जी हो गार्लिक से या गर्म चीज़ों से, उन लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि गार्लिक जो है सुबह सुबह, कहा जाता है कि एक कलियां या दो कलियां पानी के साथ ले लो या उसको चबा चबा के खाओ तो ही असर करेगा। अगर आप उसको फ्राई करके या सब्जी में डाल के लेते हैं वो असर नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, बेसिकली अगर आपने लहसुन को छील लिया, क्योंकि एलिसिन जो होता है वो कच्ची लहसुन होता है, जैसे ही आप लहसुन को छीलते हैं वैसे ही एलिसिन जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप लहसुन को छील के 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं और उसके बाद उसको फ्राई करके या किसी भी सब्जी में डाल के खाते हैं, चटनी में डालकर खाते हैं, तो उस तरह से भी अगर आप खाएंगे तो उतना ही असर आएगा जितना कि आप सुबह सुबह कच्ची कलियां जो है पानी में से लेते हैं, तो सेम भी इफेक्ट रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं, कच्चा लेंगे चबा चबा के खाएंगे तो ही असर करेगा, नहीं तो असर नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस लहसुन को आपने 10 या 15 मिनट के लिए छील के रख देना है, उसके बाद आप इसको किसी भी फॉर्म में यूज़ करें तो रिजल्ट इसका आएगा ही आएगा। लेकिन ओवर यूज़ हर चीज़ का ही बुरा होता है, क्योंकि जिनको भी अगर बीपी कम की प्रॉब्लम है, क्योंकि बीपी को कम करता है, फैट को कम करता है, तो अगर किसी का बीपी लो है तो उसको जो है सोच समझ कर लहसुन को लेना चाहिए, उसकी जो कितनी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए। तो मतलब कि हार्ट पेशेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ कि जिनकी हार्ट में प्रॉब्लम है वो लोग जो है गार्लिक यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक शुगर लेवल को भी बैलेंस करता है, तो जिसको प्रॉब्लम है वही गार्लिक को यूज़ करे। कोई भी चीज़ की अति भी अच्छी नहीं और बिल्कुल ही यूज़ ना करे, बिल्कुल ही अवॉइड करे वो भी अच्छा नहीं। बट इसके ऑल्टरनेट में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो और हार्ट को हेल्दी रख सकते हो। क्योंकि कुछ लोग जो जैसे जैन धर्म है या और है, जो गार्लिक नहीं यूज़ करते या प्याज अपने डाइट में यूज़ नहीं करते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो उनके लिए और भी बहुत सारे ऑल्टरनेट हैं कि अगर वो गार्लिक नहीं लेना चाहते तो उसके अलावा कोई और चीज़ें जो मैं भी बताऊँगी उनमें से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हार्ट के लिए जैसे सोना चांदी जो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है असर करता है, और क्योंकि हार्ट होता है, दिल होता है, उसका चक्र जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, तो जितनी भी ग्रीन चीज़ें होती हैं वो हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। ठीक है, चलो मैं धीरे धीरे करके आपको एक एक करके बताऊंगी। अभी तो मैंने आपको गार्लिक के बारे में बताया है, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।